अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज हम लोग पालक गोश्त बना रहे हैं और ये मैंने कुकर में चढ़ा दी है। अदरक लहसुन प्याज टमाटर और ऑयल हल्का सा डाल के इसको प्रेशर दे दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। प्रेशर तो आ चुका है, प्रेशर आ चुका है। अब ये गोश्त गल चुका है, अब इसका पानी मैं ड्राई करूँगी। साथ साथ मैं पालक भी आपको अभी मैं चढ़ाऊँगी। पालक को बॉईल करूंगी, अभी मैं धो के अभी पालक को बॉईल करूंगी। पालक मेरी बॉईल हो चुकी है, अब मैं इसको ग्राइंड करूंगी। पालक ब्लेंड हो चुकी है और इसको बहुत ही आराम से करना पड़ता है, नहीं तो ये उछलती बहुत है, दीवार वगैरह खराब हो जाती है। अच्छा, ये मटन मेरा गल चुका है, अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। इसमें मैंने डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर प्याज और उसमें नमक डाला था। उसके बाद मैंने प्रेशर दे दिया था 10 मिनट के लिए। अब मैं इसका पानी खुश करूंगी जिसमें ये टमाटर और प्याज मेरे अंकल जाएंगे। अभी इसको भूनूंगी, मैंने ऑयल वगैरह नहीं डाला, अभी मैं भून के ये गल जाएंगे फिर मैं डालूंगी। टमाटर और प्याज मेरे थोड़े से सॉफ्ट होंगे और तो मैं इसमें डालूंगी, पाऊंगी कुछ होगा तो ऑयल भी डालूंगी और ऑयल भी डालूंगी, दही डालूंगी। कुकर में कढ़ाई में ट्रांसफर कर लिए, अब मैं थोड़ा सा इसको भून के धनिया पाउडर डालूंगी, एक टेबल स्पून डालती हूँ, मिर्चें डालूंगी, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं मिर्चें। हल्दी डालूंगी थोड़ा सा, इसको घुमा के अच्छा इसमें मैंने पहले ही डाल दिया था बॉईल करने में अदरक लहसुन प्याज टमाटर, ये मैंने डाल के चला दिया था नमक के साथ। अब बस भून के मैं इसको भूनूंगी और सेपरेट हो जाए इसका। अब मैं इसमें दही डालूंगी 3 से 4 टेबल स्पून, इसमें मेथी डालूंगी, गरम मसाला डालूंगी। अच्छा, अब मैं डाल रही हूँ पालक जो मैंने ग्राइंड करके रखी हुई है। ये देखिए पालक मैंने डाल दी, अब थोड़ी देर से साथ भूनूंगी और बाकी के स्पाइसेस डालूंगी, थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाए। आलू पालक भी बहुत अच्छा बनता है, आलू मटन भी बहुत अच्छा बनता है, आलू चिकन भी बहुत अच्छा बनता है, तो आज मैंने आलू मटन बनाया। तकरीबन घर में सबको यही पसंद है, चिकन के साथ भी बनाती हूँ, आलू के साथ भी बनाती हूँ। कसूरी मेथी डाल देंगे थोड़ी सी,
और गरम मसाला डालूंगी। अच्छा, इसमें अब मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, हरी मिर्ची। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, ग्रेवी बनाऊंगी। इस स्टेज पे ये बिल्कुल तैयार है, लेकिन मैं ग्रेवी वाला बताऊंगी। आलू पालक मेरा रेडी है तकरीबन। अच्छा, अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। गोश्त पालक मेरा तैयार हो चुका है, ये सबको ही पसंद आता है। इंशाल्लाह आपको भी रेसिपी अच्छी लगी होगी, सो ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा कैसी लगी आपको। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।